गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में ही मौत का आंकड़ा 68 पहुंच गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उम्मीद जताई जा रही थी कि योगी पीड़ितों पर मरहम लगाकर प्रशासन को कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन सीएम साहब ने भी मासूमों की मौत के लिए लापरवाही को नहीं बल्कि गंदगी को जिम्मेदार बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन बच्चों के लिए मुझसे ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं हो सकता। मैं इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ा। बोलते बोलते सीएम योगी भावुक भी हो गए, लेकिन योगी ने इसे प्रशासन की लापरवाही मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि गंदगी और बीमारियों से मरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति मामले की जांच करेगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि पीएम भी इस घटना से चिंतित है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को गोरखपुर भेजा है। पूरे मामले की जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक 4 बार बीआरडी अस्पताल आ चुका हूँ। 9 जुलाई को हमने वेतन ना मिलने की समस्या को सुलझाया था। 9 अगस्त को भी मैं यहाँ आया था, जिसमें 5 प्रमुख सचिवों को भी मैंने यहाँ बुलाया था। मैं चाहता हूँ कि हर पत्रकार वार्ड के अंदर जाकर खुद देखे कि क्या हालात है और क्या सच्चाई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।